हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां पे बात करने वाले हैं ASUS TUF A15 के बारे में। दोस्तों, वैसे तो ये एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप है, लेकिन इस बार जो इसकी प्राइस रखी गई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या ये लैपटॉप लेना चाहिए नहीं या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स है पिछले ईयर से, क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती है इस लैपटॉप में, आज इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी बॉडी की। तो बॉडी पिछले साल से कोई भी चेंजेस नहीं हुई है, वही प्लास्टिक और वही सारी चीज़ें, वही डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे जो बॉडी है या फिर डिज़ाइन है उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, पहले ही जैसा एक डब्बा बॉक्स जैसा दिखता है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई है, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज़, 240 हर्ट्ज़ का भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको जो कलर एक्यूरेसी मिलती है वो मिलती है यहाँ पे 62.5%। अब हर एक वेरियंट में ऐसा नहीं है, एक वेरिएंट है वहाँ पे है यहाँ पे 45% NTSC और कलर एक्यूरेसी जो है वो 62.5 है। और एक वेरिएंट आपको और भी देखने को मिलता है, उसमें आपको 100% sRGB देखने को मिलती है। हम सारे वेरिएंट के बारे में एक एक करके बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेस वेरिएंट की, जो कि 1,06,000 समथिंग से स्टार्ट होती है। अब ये प्राइस जो है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकती है, जो कि पिछले साल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि टफ सीरीज जो लॉन्च होती है हर साल वो लगभग 60-70 या फिर 80,000 तक जाती है, लेकिन इस साल जो है स्टार्टिंग प्राइस ही 1,00,000 से ज़्यादा है। तो ये थोड़ी सी रोस्ट थिंग है इस लैपटॉप के लिए। नेक्स्ट हम दोस्तों बात कर रहे थे यहाँ पे बाकी चीज़ों की। तो यहाँ पे 15.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस डिस्प्ले ही है, 1080p आप जिसको कह सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको क्वाड HD डिस्प्ले नहीं मिलता है, सिंपल डिस्प्ले है। रिफ्रेश रेट यहाँ पे 144 हर्ट्ज़ मिलता है, 240 हर्ट्ज़ मिलता है। रिस्पॉन्स टाइम जो है वो सभी लैपटॉप में 3 मिलीसेकंड का ही मिलता है। एक वेरिएंट है जहाँ पे आपको यहाँ पे कलर एक्यूरेसी 62.5 है, और एक वेरिएंट ऐसा भी है जहाँ पे आपको 100% sRGB देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे थे यहाँ पे प्रोसेसर की, कौन कौन से प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं इन लैपटॉप्स में। तो यहाँ पे आपको AMD के साथ एक ही मिलता है, Ryzen 7 के साथ 5800H, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर। इसी के साथ यहाँ पे इंटर वाले मॉडल्स भी है, जहाँ पे आप 11400H जिसमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिलते हैं, 11800H भी है 8 कोर 16 थ्रेड के साथ मिलते हैं, और 11900H भी देख जो कि i9 है। अगर दोस्तों आपको इन सब में से कोई आपको पिक करना है तो आप 11800H के साथ जा सकते हैं, जहाँ पे आपको 8 कोर 16 थ्रेड भी मिलते हैं, 240 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले भी है, 100% sRGB और 3 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। अगर हम दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो 11800H और 900H में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे 4.6 GHz पे मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जाती है और यहाँ पे 4.9 GHz तक जाती है, तो वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें यहाँ पे ग्राफिक्स की, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको 6 GB की ग्राफिक्स बेस वेरिएंट में ही देखने को मिलती है, जो कि है 3060 RTX NVIDIA की तरफ से, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसी के साथ यहाँ पे जो इसकी TGP वैल्यू है वो लगभग 90 वॉट मिलती है, लेकिन यह 5 वॉट तक डायनेमिक बूस्ट भी कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। हालांकि 100 एवव होता तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती थी। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे बाकी चीज़ों की, तो यहाँ पे आपको 16 GB रैम देखने को मिलेंगे, जिसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, 512 GB की SSD मिलेगी, और एक स्लॉट और भी देखने को मिलेगा जहाँ से आप SSD को यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं, HDD को नहीं कर सकते हैं। 90 वॉट आवर की दोस्तों यहाँ पे बैटरी मिलती है, आप गेमिंग लैपटॉप से बैटरी के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पे कूलिंग टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पे नाम रखा गया है ASUS की तरफ से, जहाँ पे ASUS कहता है इसे सेल्फ क्लीनिंग 2.0 लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर फैन ब्लेड्स। अब ये किस तरीके का है मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जो पहले जनरेशन है उससे अच्छा है या फिर खराब, क्योंकि पिछले वाला जो जनरेशन था वहाँ पे लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी इस तरीके की थी, आप उस पर दूध या फिर पानी भी उबाल सकते थे। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों की, तो यहाँ पे वाईफाई 6 ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट मिलता है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि ब्लूटूथ वर्जन 5.2 चल रहा है अभी, लेकिन आपको 5.1 ही देखने को मिलता है। वेट जो है वो हमेशा की तरह 2.3 kg के ऊपर ही देखने को मिलता है। और हमने सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लिया है, अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन के ऊपर, क्या ये लैपटॉप आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास इतना बजट है तो आप यहाँ पे
11800 के लिए जा सकते हैं, जहां पे आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छी मिलती है। लेकिन मैं यहां पे कूलिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, क्योंकि इस पे मुझे भरोसा नहीं है। बाकी सारी चीज़ आपको सही देखने को मिलती है। प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 60 to 70,000 के अप्रॉक्स में हो सकती थी इसकी प्राइस, लेकिन पता नहीं क्या सोच के रखा है 1 लाख से ऊपर, मेरे को समझ में नहीं आया। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।